मोदी सरकार का बजट पेश होते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जुबानी हमला किया है। जैसे ही बजट पेश हुआ, कांग्रेस हमलावर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बजट को पूरी तरह से निरस्त करार दिया है। केंद्र सरकार के पेश किए बजट के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे दिशाहीन करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को नीरस बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान वर्ग को कुछ नहीं मिला है। हुड्डा ने बजट को केवल आंकड़ों की कलाबाजी करार दिया। आंकड़ों खेल और दिशाहीन बजट है, और जो किसान को 2022 तक हम दुगनी करने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ रेट का बुरा हाल है और चालू वर्ष में ये 5% से नीचे है। हुड्डा ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है? नंबर एक, उसको उचित भाव मिले। नंबर दो, उसकी पैदावार बढ़े। उस तरफ कोई कदम नहीं है, उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। खाली सोलर पंप लगाने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है। खाली जैविक खाद का इस्तेमाल करने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है। किसान की आमदनी होगी दुगनी, स्वामीनाथन फार्मूला लागू करें। जो लागत बढ़ती है उसके हिसाब से मुनाफा दिया जाए। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी बजट को केवल आंकड़ों का बजट बताया। रिकॉर्ड स्पीच हुई, आते इतनी लंबा कोई वित्त मंत्री नहीं बोला। हर सेक्शन के बारे में नाम ले दिया गया, मगर क्या किया? कुछ नहीं। आंकड़ों की जुगलबंदी, जैसे इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स में स्लैब को थोड़ा 2.5 लाख बढ़ाया तो एग्जेम्पशन काट लिए। कैसे बढ़ोतरी हासिल करेगा उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज किसान मरा जा रहा है, खास करके हमारा जो क्षेत्र है, हरियाणा है, साथ का इलाका है, वहाँ पर किसान को कैसे कुछ ये दे पाएंगे? कुछ नहीं कहा है। हुड्डा ने सरकार पर सीधा हमला किया, कहा कि किसानों को ना तो फसल का उचित MSP मिल रहा है और ना ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल कि किसानों की तकदीर आखिर कैसे बदल पाएगी।